हम जो है वो यहाँ पे गोभी ऑनियन वाला जो है वो पराठा खा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि गुजराती जो है वो नाश्ते में क्या खाते हैं। ले अब ये बरारे फंसन लग गए हैं सिर्फ, बाकी ना आगे जो है ना तंग तंग होता जा रहा है सब कुछ। चलें जी, ये सामने है यहाँ की पहली हिस्टोरिकल जो है बिल्डिंग हमें नज़र आई है, दरवाज़ा। भैया दोदिया हवेली कौन सी है यहाँ पे? ये है जी हमारा यहाँ पे रूम। और अगर आप अहमदाबाद जैसे हिस्टोरिकल ओल्ड सिटी में आए अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल सब लोगों को जी। बड़ौदा से कल रात को हम यहाँ पे पहुँचे थे, जाना हमने अहमदाबाद था लेकिन हम नहीं पहुँच पाए थे। आज ज़रूर हम अहमदाबाद पहुँचेंगे क्योंकि अहमदाबाद से हम लोग तकरीबन 2 घंटे की राइड पे हैं, कोई 150 किलोमीटर शायद जो है वो बनता होगा। हम अभी सुबह सुबह यहाँ से निकल रहे हैं और उम्मीद है कि 2 घंटे में जैसे ही हम वहाँ में पहुँचेंगे, सामान रखेंगे, सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि ये आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इंडिया की पहली जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी को डिक्लेयर किया गया था ये वो है। इसका जो ओल्ड टाउन है वो बहुत एक तो हिस्टोरिकल है और दूसरा जो वो फेमस भी है, बड़े टूरिस्ट जो है ना यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, इसलिए मैं भी यहाँ पर जा रहा हूँ। तो आप लोगों को जो है ना अहमदाबाद एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। सामान वगैरह सब कुछ लगा दिया हमने, बिल्कुल जो होटल लिया था वो हाईवे के ऊपर है, तो हम बड़ौदा सिटी में इंटर भी एक्चुअली नहीं हो पा रहे। थोड़ी सी दुख की बात है क्योंकि बड़ौदा जो है वो एक्चुअली में बड़ी खूबसूरत सी सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो स्किप करनी पड़ रही हैं। तो निकलते हैं यहाँ से, और एक्चुअली मैं अकेला नहीं हूँ, कार्तिकन तो है ही है हमारे साथ, और साथ में हमारे ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर राहुल भाई हैं, और ये स्पेशल कल रात को आए थे अहमदाबाद से और नाइट यहाँ पे स्टे की है इन्होंने, और अभी हम जो है वो निकल रहे हैं। ठीक है राहुल भाई, निकले थे, चलो चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुजरे, बहुत अच्छा गुजरे, और आप सब देखने वालों का भी। आगे जो हैं वो अभी राहुल भाई हैं अपने कीवे के स्कूटर पे, जो कि बनेले का ही आई थिंक ब्रांड है। मैं सोच रहा था कि शायद यहाँ पे चाइनीज़ बाइक्स जो है ना उनको इंपोर्ट पे या बेचने पे पाबंदी है, लेकिन ये बता रहे हैं कि बनेले जो है वो काफ़ी अरसे से आए यहाँ पे। तो या अभी जो है वो साथ से गुज़र गए हैं कार्तिकन। अच्छा हाँ, ये है यहाँ पे जी एक्सप्रेस हाईवे की तरफ रास्ता जा रहा है, जिसके ऊपर बाइक्स जो हैं वो अलाउ नहीं है, तो हमने पीछे जो हाईवे लेके आए गए सेम उसी को कंटिन्यू करना है। बड़ौदा से अहमदाबाद तक जो है वो एक्सप्रेस हाईवे बन गई है, बाकी ये लोग बना रहे हैं दिल्ली से लेके मुंबई तक, कुछ सेक्शन उसके कम्प्लीट हो चुके हैं, बाकी चल रहे हैं। यहाँ पे जी हमने रुकना है ब्रेकफास्ट के लिए, उम्मीद है कि रेस्टोरेंट अच्छा होगा, ताकि हम अपना गुजरात में जो पहला ब्रेकफास्ट करें वो अच्छा हो। ये आ गया जी सामने, मुझे लगता है कि हमने नेविगेशन है ना पीछे उतार दिया था, यहाँ से ही हम भी आ सकते थे। अच्छा, ये अच्छा खासा बड़ा ये फूड कोर्ट फूड प्लाजा है ये। ब्रेकफास्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है, हम एक्चुअली सुबह जो है मैंने आपको राहुल का बताया था, उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पे रुकना है, हम तो यहाँ पे रुक गए, लेकिन राहुल साहब जो है वो सीधा आगे निकल गए हैं, अब अगले टूल प्लाजा पे वेट कर रहे हैं। हम जो है वो यहाँ पे गोभी
अनियन वाला जो है वो पराठा खा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि गुजराती जो है वो नाश्ते में क्या खाते हैं, हमें पराठा तो मिल गया और साथ में यहाँ पे कुछ लोग आए थे तो उन्होंने हमारे लिए पकौड़े ऑर्डर किए दिए। ऑल्सो जॉइनिंग अस इज़ प्रकर्ष भट्ट, ये पुणे से हैं और यहाँ पे अपनी 1250 है ना आपके 1250। तो अभी यहाँ पे जो है आप शायद राजस्थान की तरफ से जा रहे हैं? करेक्ट। तो अभी हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई है, इनका भी नाश्ता जो है वो मेरे ख्याल में बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यू कैन जॉइन अस, अच्छा नहीं लगता आप? थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करें सर हमारे साथ। आई हैव अ पकौड़ा। अच्छा, यहाँ पे पकौड़े नाश्ते में खाते हैं? हाँ, हमारी तरफ चाय के साथ। मैं एक्चुअली पाकिस्तान से हूँ। हाँ, तो हमारी तरफ जो है ना वो नाश्ते में पकौड़े जो है ना स्नैक्स में खाते हैं लेट इवनिंग्स में। ओके। हाँ, चाय के साथ या दोपहर में कभी आप ट्रैवल कर रहे हो तो, लेकिन नाश्ते में मैंने फर्स्ट टाइम खाया। हाँ, खाते हैं पालक पालक मिर्ची पकौड़ा, बहुत अच्छा है। वन ऑफ दी बेस्ट पराठा जो मुझे जो है वो नाश्ते में मिला। और जैसे जैसे हम लोग साउथ की तरफ से नॉर्थ जा रहे हैं ना, अब देखिए कि प्रॉपर जो है वो चेंज हो रहे हैं, पर यहाँ पे भी हर जगह पे आपको साउथ वाले नाश्ते जो है वो मिल जाएंगे। वो ज़रा ज़्यादा हेल्थी होते हैं, ये थोड़े से ऑयली वगैरह वाले होते हैं, पर ये ज़्यादा टेस्टी है। ओके सर, सी यू अगेन। चलें जी, ब्रेकफास्ट जी ना सिर्फ यहाँ पर बहुत अच्छा था बल्कि बड़ा सस्ता भी था, तो हम मेरे ख्याल में टोटल मिला जुला के 500-600 रुपये में जो है वो दोनों फारिग हो गए होंगे खा के। और यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है जी अहमदाबाद, 1.25 घंटे में ना हम लोग बिल्कुल सेंटर में पहुँच जाएंगे। इधर बैठ के मैंने वहाँ पे एक होटल भी बुक कर लिया है, तो इंडिया में मैं नॉर्मली जो है वो booking.com यूज़ कर रहा हूँ, या फिर ये है कि क्योंकि मेरे पास लोकल सिम भी है तो गूगल से आप देख लेते हो मैप से कि कौन सा होटल है, उसको कॉल करके और रिज़र्व करवा लिया, फिर वहाँ जा कर उनको पे कर दिया, तो कोई इशू नहीं है, बहुत ऑप्शन मिल जाती हैं। कल रात को हमने वॉक इन किया था, आराम से गए थे और आज जो है वो बुक कर लिया ऑनलाइन ही। यहाँ पे जी हमारा बंदा खड़ा हुआ है। चले राहुल भाई आ जाए, आगे पेट्रोल पंप से फिल करवाना है, आ जाए। अभी तक मुझे जो सबसे एक्सपेंसिव पेट्रोल मिला वो शायद महाराष्ट्र में ही मिला था, 106-107 रुपए का। यहाँ पे भी 96 में मिल रहा है, कि कोई 10 रुपए जो वो सस्ता है 11 रुपए वहाँ की निस्बत। सो वेलकम टू अहमदाबाद। और अभी हम लोग ये जो इनके आउटस्कर्ट्स वाले एरियाज़ हैं ना, यहाँ पे मोस्टली ये जो वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं सिटी के एंट्री पॉइंट पे, उस एरिया में हैं। ट्रैफिक यहाँ पे है लेकिन उस हिसाब से कम है जितनी मैंने अभी तक जो है वो बाकी सिटीज़ में बड़ी में देखी हैं, जैसे मुंबई वगैरह में थी। लेकिन अभी हमें 5 किलोमीटर और राइड करके जाना है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का सिटी है और यहाँ की ट्रैफिक। दिन के टाइम सिटी में एंटर होने का ये फ़ायदा होता है कि बंदे को जो है ना पहला इम्प्रेशन मिल जाता है कि शहर कैसा है, रात को पता नहीं चलता। तो अच्छी बात है कि आज आपको थोड़ा बहुत जो है वो बाइक पे अहमदाबाद भी देखने को मिलेगा। रक्षे हैं भाई इधर तो, थ्री व्हीलर दूर दूर तक आप जो नज़र डालते हो ना तो नज़र आते हैं। थे तो मुंबई में भी बहुत ज़्यादा,
लेकिन शायद मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुंबई में बहुत सारी जगहों पर उन्होंने बैन भी किए हुए हैं ना। और ये यहाँ की आ गई जी फ्रूट और सब्ज़ी मंडी। प्रॉपर हम लोग एक कमर्शियल एरिया से दूसरे कमर्शियल एरिया में इंटर हो रहे हैं। हमने बिल्कुल जो है वो यहाँ का जो हिस्टोरिकल ओल्ड टाउन है वहीं पे जाके होटल लिया, तो हम ये पूरा जो है वो रश वाला एरिया जो है वो देखते जाएंगे। लो जी किसी के स्लीपर भी गिर गए हैं, वहाँ जाके उनको ख्याल आएगा कि भाईजान जूती ही डिग पी पीछे। अच्छा इधर से जाएं कि इधर से जाएं, इधर से जाते हैं ये ज़रा मुझे लग रहा है। वो शायद बाहर वाला रूट दे रही है, 2-3 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन ज़रा हम रौनक तो देखते जाएंगे ना सिटी की। ये कुछ ज़्यादा रौनक होगी है इधर इधर हमने अब फंस जाना है। ये अब ऐसे लग रहा है कि हम ओल्ड टाउन में इंटर हो चुके हैं। गलियां जो है वो काफ़ी छोटी हो गई हैं और साइडों पे जो मार्केट है ना ये मोस्टली आपको ओल्ड टाउन में नज़र आती है। जी बाबा जी बहुत मुश्किल से बेचारे अपना साइकिल चला रहे हैं। ये आ गए जी यहाँ की कपड़े वाली मार्केट। सब कुछ ही है वैसे, सिर्फ कपड़े वाली मार्केट नहीं है। प्रॉपर अंदरून में आ गए हैं हम लोग। शुक्र है कि इतनी ट्रैफिक नहीं है, नहीं तो हमने फंस जाना था यहाँ पे। अच्छा है आपको ना बाइक पे ये सारा अंदरून तो एटलीस्ट देखने को मिल जाएगा ना, फिर हम जाके बाकी हिस्टोरिकल जगह एक्सप्लोर कर लेंगे बगैर बाइक के। इसका ये फ़ायदा होता है कि गोप्रो चलता रहता है और आप लोगों को भी जो है वो सही जो मुझे नज़र आ रहा होता है वही मोस्टली जो है ना वो आप भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। लो भाई लैब ये बरारे फंसन लग गए हैं ऐसे वाकई ना, आगे जो है ना तंग तंग होता जा रहा है सब कुछ। मुझे याद आ गया पैलेस्टाइन में मेरे साथ हुआ था, वहाँ पे इधर उधर जो इन्होंने सामान लटकाया होगा ना वो गिरना शुरू हो जाएगा। अच्छा चलो भाई हट जो रास्ता दे दियो। मुझे पक्का यकीन है कि हमें गूगल ने ना गलत रास्ते से भेजा, ये गाड़ी वाला तो रास्ता नहीं है और मैंने गाड़ी वाला डाला हुआ था। इधर से रास्ता है ना, इधर से रास्ता है ना। ठीक है शुक्रिया। चलें जी ये सामने है यहाँ की पहली हिस्टोरिकल जो है बिल्डिंग हमें नज़र आई है, दरवाज़ा।
ये शू वाली मार्केट है जी, पसंद कर रहे हैं जिसको जो जूते चाहिए हो। लोग मुस्कुरा रहे हैं कि देखो पागल किधर आ गए हैं। चलें, अभी ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। यहाँ पे ना राइट किसी जगह से मुड़ना है। मुझे किसी ने कहा भी था कि अंदरून में ना होटल बुक ना ही करवाइएगा, लेकिन मैंने उनको फ़ोन किया तो वो कहते हैं हाँ आराम से यहाँ पे आप खड़ी कर सकते हैं बाइक, कोई मसला नहीं है। भैया दो दिया हवेली कौन सी है यहाँ पे? हवेली है। ये हवेली है। हवेली है, अच्छा 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 अच्छा, चले मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आपकी दुआ, बड़ी मुश्किल से हमें रास्ता मिला है। ये है जी हमारा यहाँ पे रूम। और अगर आप अहमदाबाद जैसे हिस्टोरिकल ओल्ड सिटी में आएँ और फिर रहने के लिए आपको इस तरह की खूबसूरत जगह मिल जाए तो और क्या चाहिए, जहाँ पे आपको ऑथेंटिक एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं कि ओल्ड सिटी का ना बहुत हद तक जो है वो इस हवेली में नज़र आएगा, मिलेगा। एक तो बहुत ही खूबसूरत से जो है ना वो डिफरेंट कलर्स की इनकी जो विंडोज़ हैं और जो इवन के जो फर्नीचर वगैरह और लकड़ी है सब कुछ, वो काफ़ी जो है वो आपको वाइब देती है कि आप किसी ना हिस्टोरिकल हवेली में हैं, तो बहुत अच्छा है। इसके हमने पे किए हैं जी तकरीबन कुछ 4000 इंडियन रुपीज़, जो कि आई थिंक बहुत ही डिसेंट अमाउंट है इस तरह की हवेली में, इस तरह के रूम में रहने में। एसी वगैरह लगा हुआ है, बहुत साफ़ सुथरा इसका वॉशरूम है, तो कह सकते हैं कि लग्जरी है। मतलब इतने पैसों में और क्या बंदे को चाहिए। ये एक्चुअली में ना इस हवेली का किचन है और यहाँ पे नारायण भाई हैं जो उदयपुर से हैं एक्चुअली, और हमारे लिए जो है वो चाय बना रहे हैं। और किचन भी जिस तरह के बाकी यहाँ पे रूम्स हैं उसी तरह के जो है ना बड़ा हिस्टोरिकल सा लग रहा है। स्पेशली ये पीछे जो पेंटिंग है या वॉल के ऊपर बना हुआ है कुछ, ये पेंटिंग है या वैसे? माता की पछेड़ी। अच्छा, माता की पछेड़ी। टेक्सटाइल कैलिको म्यूजियम में पहला प्रोजेक्ट यहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। कैलिको टेक्सटाइल म्यूजियम, ये हैंड पेंटिंग है। ठीक, जो कालू भाई सितारा जो वासना में रहते हैं उनकी पूरी फैमिली हैंड पेंटिंग, मतलब। अच्छा अच्छा, थैंक यू।